तहसीलदार साहिल रंधावा ने कुछ दिन पहले जो है वो नहर में गंदगी डालने वालों के खिलाफ जो है जिन्होंने बाथरूम की पाइपें जो है वो डाली हैं उन्हें जो है वो नोटिस थमाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे मुख्य बाजार की गंदगी, जहां कहूं मैं अपर बाजार की जितनी भी गंदगी है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से गंदगी जो है वो फैली हुई है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि पूरे बाजार की गंदगी जो है वो किस तरह से इस अपर बाजार पौनी में जो है वो फैल रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस नहर के लिए नोटिस थमाया गया है वो नोटिस जो है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह से ये गंदगी है। और ये डस्टबिन देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये डस्टबिन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और उसके साथ ठीक ये वो नहर है जिसके लिए जो है वो नोटिस थमाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने बाथरूम की पाइपें जो हैं वो डाली हुई हैं उन्हें जो है वो नोटिस थमाया गया है और एक कमेटी भी फ्रेम की गई है। और मैं आपको बता दूं कि उस नोटिस के मुताबिक नायब तहसीलदार पौनी, पटवारी हल्का पौनी और लंबरदार चौकीदारों को पाइप जोड़ने वालों को कचरा डालने वालों की रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को सौंपने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि गत दिनों कान्हा पंचायत के लोगों का शिष्टमंडल तहसीलदार साहिल रंधावा से पौनी में मिला था और उन्होंने कहा था कि ऊपर बाजार कान्हा लैड और सुंगल गांव को जोड़ने वाली नहर में गंदगी डालने के बारे में शिकायत की गई थी। उनका कहना था कि जो पानी जो है वो अनेक गांव तक जो है वो जाता है, उसमें जो है वो लोगों ने बाथरूम की पाइपें डाली हुई हैं, पैंपर तक जो है वो उस नहर में आते हैं, ये नहर जो है वो कई गांव को जोड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दृश्य आप देख सकते हैं कि लाइव दृश्य यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से गंदगी जो है वो पूरे बाजार में फैली हुई है। कुछ इस तरह से यहाँ पर गंदगी है, ये देखिए आप, ये इस तरह से कुछ आलम है ऊपर बाजार पौनी का, ये अपर बाजार का शहर है और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो गंदगी जो है वो फैली हुई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो नहीं हैं, ये देख सकते हैं ये एक नाली है और ये शायद ब्लॉक की तरफ से जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मकान है और ये नालियों के जो देख सकते हैं आप कितना गंदा पानी है, जितना भी गंदा पानी है सारा जो है वो इसी तरह से इस नहर में जा रहा है। ये सारा गंदा पानी जो है वो उस नाली का, ये सारा देखिए आप इस तरह से यहाँ पर इस नहर में जा रहा है और पानी जो है वो दूषित हो रहा है। ये देखेंगे आप किस तरह से जो है वो गंदगी जो है वो फैल रही है और यहाँ पर अनेक प्रकार की गंदगी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मक्खियाँ जो है वो बिन बना रही हैं, लोगों के बाल तक जो जितना भी कचरा है पूरे बाजार का जो है वो पूरा घरों का इकट्ठा होकर यहाँ पे जो है वो डाला जाता है। और ये एक डस्टबिन लगाया गया है, डस्टबिन शायद कोई मुझे लग रहा है कि दो चार दिनों से जो है वो इसी तरह से ओवरफ्लो हो गया है और जहाँ से गुजरना भी जो है वो मुश्किलातों का सामना करने जैसा है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू जो है वो फैल रही है। और मैं आपको बता दूं कि लोगों का जो पानी, जो नालियों का पानी है, जो गंदा पानी है, लोगों के लिए जो है वो नालियां भी नहीं बनाई गई हैं, तो इसीलिए लोग जो है वो शायद मजबूर होकर एक लिफाफा बांधते हैं जिसके बाद जो है वो चलते हुए पानी में बहा देते हैं। तो इसीलिए लोगों के जो जमीनों तक जो पानी पहुंच रहा है वहां पर इस तरह से गंदगी जो है वो जा रही है। कुछ ना कुछ अल्टरनेट जो है वो निकालना पड़ेगा प्रशासन को ताकि ये लोग भी जो है वो सेफ रहें और जो पानी है वो भी दूषित ना हो। और दूसरी तस्वीर वो मैं आपको बता दूं कि जीती जाती ये तस्वीर है, ये पूरे बाजार की जितनी भी गंदगी है सारी इकट्ठी होती है यहां पे फेंकी जाती है और जहां पर सफाई जो है वो हफ्ते में एक बार ही की जाती होगी क्योंकि यहां पर अब हमारी बातचीत जो है वो वीडियो मैडम से हुई थी। वीडियो मैडम का कहना था कि सफाई के लिए पहले पैसे आते थे लेकिन अब जो है वो सफाई के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर ट्रैक्टर ट्राली जो है वो लगाई जाती है, जब गंदगी जो है वो एक बार डंप हो जाती है, एक ट्राली या दो ट्राली मटेरियल गंदगी जो है वो इकट्ठी होती है, उसके बाद पूरा मटेरियल जो है वो डालकर कहीं जो है वो नाले में कहीं फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगी ये तस्वीरें देखेंगे आप और दूसरी ओर जो ब्लॉक की तरफ से जो है वो पहले नालियाँ बनाई गई थी, ये नाली है और पीछे से किसी के घर, लोगों के घरों से ये नाली आ रही है, ये नाली भी नहर में फेंकी गई है, उस नहर में फेंकी गई है जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। यही पानी जो है वो लोग पहले पीते भी थे, पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक साथ मंदिर है, ये साथ मंदिर है और दूसरा ये साथ में वो बड़ा मंदिर है जो ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर मंदिर है पास में ही डाकघर भी है यहाँ पर, और ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी आएगी
और उसके बाद जो है वो लोगों को राहत जो है वो मिल सकेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपने देखा पूरी लाइव दृश्य दिखा रहे हैं, लोगों की भी मजबूरी है, आखिर लोग जो है वो कूड़ा डाले तो डाले कहाँ पर, कूड़ा अगर डालते भी हैं तो उठाने वाला कोई नहीं है। ये साथ में मंदिर है, नरसिंह मंदिर है जो पौनिका प्रसिद्ध जो है वो मंदिर है। और ये देखिए आप इरीगेशन डिपार्टमेंट की मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको, जीती जाती ये इरीगेशन डिपार्टमेंट की तस्वीर है। और ये नाली जो है वो देखेंगे आपकी आधा फुट जो है वो यहाँ पर पानी है, लेकिन इसकी अगर मैं वो दिखाऊँ आपकी ये कितनी धीमी होनी चाहिए, कम से कम पाँच फुट जो है वो ये नाली नहर होगी, लेकिन ये पानी जो है वो देख सकते हैं आप, ये गंदगी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ये साफ सफाई होती होगी। इसी तरह से मैं आपको बता दूँ कि कई महीने पहले हो गए हैं इस नहर को जो है वो साफ सुथरा नहीं किया गया है, करीब 4-5 साल हो गए हैं ये नहर जो है वो इसी तरह से चल रही है, लेकिन इसकी साफ सफाई नहीं हुई है। क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्हें पैसे नहीं देता या क्या कारण है? ये पूरे बाजार की गंदगी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो है वो इसमें आ रही है, और नीचे जो है वो काना लैड सुंगल कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये पानी पहुंच रहा है। यही पानी जो है वो मालवेशी पीते हैं, कुछ लोग जो है वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी जमीनों में सब्जियां लगाते हैं, तो वहां पर भी अनेक प्रकार की गंदगी जो है वो साफ सुथरे पानी में जा रही है। कहीं ना कहीं हम पानी को जो है वो दूषित कर रहे हैं। और अब जो है वो इतना बड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग जो है वो इसमें नहाते थे पहले कोई टाइम पे, लेकिन अब जो है वो उसमें हाथ लगाना भी गंदगी में हाथ डालने जैसा हो गया, क्योंकि पानी तो साफ सुथरा है लेकिन पानी को खराब हम लोग कर रहे हैं, हम खुद लोग जो है वो ये पानी को खराब कर रहे हैं। हवालांकि तहसीलदार साहिल रंधावा की जी की तरफ से जो है वो लोगों को नोटिस भी थमाया गया है कि जिन्होंने बाथरूम का पानी जो है वो इसमें डाला हुआ है उन्हें जो है वो नोटिस जरूर भेजे गए हैं, एक टीम जो है वो फ्रेम की गई है। लेकिन जब तक ये पूरी नहर जो है वो साफ सुथरी नहीं की जाती, लोगों की जो नालियां हैं नालियों का पानी जो है वो इसमें से नहीं हटाया जाता, तब तक जो है वो इसी तरह से ये गंदगी जो है वो बनी रहेगी। और जो लोगों की गंदगी है जहाँ पर एक डस्टबिन लगाया गया है, डस्टबिन ओवरफ्लो हो गया है और लगता है कि 15 दिन से यहाँ पर सुचारू रूप से सफाई जो है वो नहीं हुई है। इसका मेन कारण ये है कि ये पूरी गंदगी जो है वो नहर में जा रही है, यही लोगों के जमीनों तक पहुंच रही है, जो कपड़े में महिलाएं धो रही हैं उनके पास जो है वो यही गंदगी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कहीं ना कहीं बैठकर इसका अल्टरनेट निकालें, नालियां बनाई जाएं ताकि गंदा पानी जो है वो एक नाली में बहे और साफ सुथरा पानी जो है वो एक तरफ से जो है वो बहता रहे, और लोगों को भी सहूलियत प्रदान हो। और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इस मामले में संज्ञान लें और इसका कोई ना कोई उचित अल्टरनेट जो है वो निकाले। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते हैं रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।